देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसके लिए जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है सीन, जैसे मान लो जानते होंगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक और सेक एक्स, ये है ना। ये सारे सारे किस फॉर्म में है, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, तो पीरियोडिक होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं? पीरियोडिक। पीरियोडिक कहने का मतलब है कि इनकी जो वैल्यू होती है वो कुछ वेव की तरह चलती है। जैसे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, फिर साइन 90 की वैल्यू वन, फिर साइन 180 की वैल्यू जीरो, फिर साइन 270 की वैल्यू माइनस वन। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता रहता है, इसके अंदर कन्वर्जन होता है, चेंजिंग होती है, और ये वो चीज बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जब पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं ना, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते हैं। किस तरह के? फंक्शंस वाले। फंक्शन पता है ना कि एक होता है आपका डोमेन, एक होता है आपका कोडोमेन, और जिसमें हम लोग रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की चर्चाएं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के संग करते हैं तो कंप्लीट वैल्यू नहीं मिल पाती है, यानी कोडोमेन में सब नहीं भर पाता है। दिमाग में रखना बात को, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, वन से जीरो या वन से माइनस वन तक, ये तो वैल्यू फिक्स है ना। कितनों वैल्यू उसमें एंगल पुट करते जाएंगे, हमेशा साइन कॉस की वैल्यू इसके बीच में ही आएगी। ठीक है, माइनस वन भी आता है शायद कॉस में भी। ठीक है, माइनस वन से वन की क्या आएगी, बीच में ही आएगी। जैसे कॉस जीरो की वैल्यू वन और कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, क्या इससे बड़ी वैल्यू आ सकती है? 2-3 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। यानी कि वो डोमेन में भले ही रियल नंबर हो, रियल नंबर में तो अनंत रियल नंबर होगा, और उस अनंत रियल नंबर में से माइनस वन, जीरो और वन, बस इसी के संग इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और अलग अलग डोमेन की अलग अलग वैल्यू के लिए सेम इमेज मिलता है। ठीक है, वैल्यू अलग अलग हो पर इमेज क्या मिलता है, सेम मिलता है। इसका मतलब कि ये फंक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा। फंक्शन क्या कहता है कि सबका हर एक डोमेन में एलिमेंट का कोडोमेन में एक स्पेसिफिक इमेज बने, जबकि ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करता है, तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करते हैं, इसके कोडोमेन और रेंज की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक फिक्स रेंज के अंदर ही, या एक फिक्स्ड डोमेन, भले डोमेन कितना चेंज करो, एक फिक्स रेंज के अंदर ही ये क्या करेंगे, सारे के सारे लाइक करेंगे। तो बस हम उतने के अंदर ही चर्चा करते हैं कि इट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो हम हर एक एंगल पर नहीं कह सकते कि ये रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, लेकिन एक फिक्स इंटरवल में क्या है वो, एक फिक्स इंटरवल में वो है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, यानी कि 1-1 ऑन्टो फंक्शन फॉलो कर रहा है एक फिक्स इंटरवल में। ठीक है, जब 1-1 ऑन्टो करेगा इसका मतलब बाइजेक्टिव हो गया, इसी को तो बाइजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हुआ? तो एक इसी में सीन आता है कि जैसे कि मान चलो ना कि जब हम बाइजेक्टिव की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यही बोलते हैं ना बाइजेक्टिव के लिए, यही सेम होता है बाइजेक्टिव के लिए। यानी कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव करना है तो हमको यही वाला सीन यूज करना है कि रेंज की वैल्यू कोडोमेन के क्या हो, इक्वल हो। तो कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ये पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक रेंज के लिए हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन है। तो इस तरीके से ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की चर्चाएं होती जो कि पिछली क्लासेस में थे। ठीक है, अब जब आपने ट्रिग्नोमेट्री जान लिया तो अब यहीं से हम जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखने में कैसा होता है? तो ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स।
हो गया इनवर्स, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन इनवर्स का, जब ऐसा बात आता है ना तो इस कंडीशन में यहां पे भी चेंजिंग होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा अब यहां पे y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो बस इस वाले कंडीशन के लिए जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर परिवर्तन हो जाते, ठीक है। परिवर्तन हुई इसमें, उसमें क्या था, सिंपल था y इज इक्वल टू एफ, अब इसके अंदर उल्टा हो गया। यही उल्टा वाला सीन की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, किसके अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जैसा वहां पे भी रेंज की चर्चा होती है ना कि एक स्पेसिफिक रेंज में ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वैसे ही सेम कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री में भी एक स्पेसिफिक फंक्शन में ही, एक स्पेसिफिक रेंज में ही ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक और इनवर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। मान के चलो कि अगर आपके पास x इंटू वाई इज इक्वल टू टू है, लेट कर दो, तो x इज इक्वल टू टू अपॉन वाई होगा, होगा ना, जिसको हम लिख सकते हैं टू वाई इनवर्स। तो अब समझ में आया इनवर्स का मतलब, तो जब भी इनवर्स का मतलब होगा तब समझ लीजिए इसका रेसिप्रोकल किया गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने पे हमको पावर माइनस वन अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट मिलता है, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, रेंज है। ये रेंज आपको हेल्प करेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू पता करने की, प्रिंसिपल वैल्यू जो आप लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हेल्प करेगा यही, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, कौन कौन सा, एक तरफ साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, और फिर टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्लासिफाई करता है, क्योंकि ये तीनों एक तरह की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, और बाकी इधर कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। बता सकते हैं ऐसा क्यों, क्यों, हाँ तो हम बताते हैं, साइन वाले में साइन तो है, कॉसिक वाले में भी साइन है, और टेन वाले में साइन न्यूमरेटर में आता है, साइन बाई कॉस, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पे गौर करो इसमें। उसी तरह कॉस क्या है, है सेक में कॉस आता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, और कॉट में कॉस न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके रेंज जान लो कि कहां से कहां इनकी रेंज लाई करती है, जहां पे आपको ये ऑन्टो फंक्शंस देंगे, यानी जिसका इमेज आपको यूनिक इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। तो उसके लिए है साइन इनवर्स का क्या है, तो साइन इनवर्स का है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ये साइन इनवर्स एक्स का है। और फिर उसके बाद आपका कॉसेक का है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसमें से हम जीरो क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, जीरो को हटा के, वही है सेम, ठीक है। और तीसरे वाले में वही है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन ऊपर आप देखो तो क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इंटरवल पर भी चर्चा कर ले हम लोग। तो इंटरवल्स में अगर गौर करो तो मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है कि किसको, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना, ग्रेटर देन लेस देन, जैसे ग्रेटर देन लेस देन, और यहीं पे ये भी लगा होता है, हाँ इसका मतलब ये होता है ना कि मान चलो कि x इज लेस देन इज इक्वल टू टू है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो टू भी है और उससे कम भी है, ठीक है। और अगर हम ये साइन हटा दें तो कह सकते हैं कि x की वैल्यू टू नहीं है, उससे कम है, बिल्कुल यही सेम चीज यहाँ पे भी इंटरवल का कंडीशन आ रहा है। तो देखो इंटरवल में एक होता है आपका क्लोज इंटरवल, एक होता है आपका ओपन इंटरवल, और एक होता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन,
ठीक है, जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते हैं? जानते हैं जानते हैं, बहुत बढ़िया। तो क्लोज वाले में हम लोग बिग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बड़का ब्रैकेट का, और ओपन वाले में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और आधा क्लोज वाले में एक तरफ बिग होगा एक तरफ स्मॉल होगा, और आधा ओपन वाले में एक तरफ स्मॉल होगा और दूसरी तरफ बिग होगा। क्लियर? सेमी ओपन सेमी क्लोज, और क्लोज और ओपन इंटर, क्लियर हुआ? तो इसमें होगा ना, तो अगर यहाँ पे टू से फाइव है तो टू भी लेंगे फाइव भी लेंगे, और अगर इसमें टू से फाइव है तो टू को छोड़ देंगे फाइव को छोड़ देंगे, बीच वाला सारा प्रोडक्ट लेंगे। यस सर, इसमें इक्वल टू नहीं रहेगा ओपन में। हाँ, ओपन में इक्वल टू नहीं होता, समझ गए? यस सर। कोई डाउट है तो? नहीं सर। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया आपका इंटरवल्स का प्रॉब्लम सॉल्व। अभी बात करेंगे हम लोग किसकी, तो साइन वर्स एक्स हो गया, कॉट कोसेक्स इनवर्स एक्स हो गया, टैन वर्स एक्स, मतलब तीनों के सेम सेम, देखो पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू तीनों में आ रहा है, वैसे ही सेम चीज रिपीट होगा इसमें। तो यहाँ पे होगा जीरो से पाई, ठीक, यहाँ भी होगा जीरो से पाई, पर क्या एक्सक्लूड करना है? माइनस पाई बाई टू, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी होगा जीरो से पाई ओपन में। देखो दोनों में परिवर्तन, अंतर क्या है कि जीरो है और यहाँ पे पाई बाई टू। डिफरेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन की जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कॉस की पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है। जीरो जिसकी वैल्यू उसको नहीं करेंगे, क्यों नहीं, बाहर तो कर दिया ना, मतलब हाँ उसको नहीं लेंगे। हाँ हाँ, वही आप ही बात सही है, ठीक है, उसको हम अंदर नहीं लेंगे, बाहर कर देंगे, उस पर हम लोग वैल्यू रखनी नहीं है, वरना वो फंक्शन हमें नहीं मिलेगा, वो मतलब की गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ रेंजेस, ठीक है, आपके कॉपी में मेंशन है, तो इन कॉपी वाले मेंशन में रेंजेस को आप लोग अपने ब्रेन में एडजस्ट करेंगे, थोड़ी सी जगह देंगे, ठीक है, स्टोर रूम में डाल देंगे, नहीं स्टोर रूम में नहीं डालेंगे, डाइनिंग टेबल पर रखेंगे। खाना कहाँ रखेंगे? खाने को पेट में रखेंगे। चलिए आगे चर्चाएं करें। अब इसके बाद ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आप लोग को याद होगी, वाला। हाँ हाँ, जीरो नाइनटी फोर्टी फाइव सिक्सटी थर्टी, इसकी वैल्यू तो याद होगी ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हटा दे क्या इसको, ये तो मेंशन है, टेबल डाल देना, शॉर्टकट टेबल बनाना। चलिए शॉर्टकट टेबल देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। देखो ये है जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी, ठीक है, देखो रूट जीरो बाई फोर, ये वाला ट्रिक लगाना है आपको, ठीक है, रूट वन बाई फोर, रूट टू बाई फोर, ठीक है, रूट थ्री बाई फोर, रूट फोर बाई फोर, समझ आया? उसके बाद यहाँ पे है आपका साइन कॉस टैन, बस इससे जाने, बाकी सब तो उसी से निकल जाते हैं। हाँ उलट देंगे ना, तो देखो अब साइन जीरो की वैल्यू जीरो अपन फोर क्या होगी, जीरो, ठीक है, ये है केवल किसके लिए, साइन, ठीक है, अब इसी से सब निकलेंगे, तो बस एक याद रखेंगे बाकी सब निकल जाएंगे। वन बाई फोर का मतलब साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई टू, ठीक है, टू बाई फोर का मतलब वन बाई टू अंडर रूट में, वो भी नहीं वन बाई रूट टू, और ये क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, और ये क्या हो जाएगा वन, हो गया। अब यहां से इसको इधर कर दो, तो वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू जीरो। अब साइन बाई कॉस जीरो पर वन, वन बाई टू और रूट थ्री बाई टू, तो वन बाई रूट थ्री, वन रूट थ्री, समझ आया? तो ये था शॉर्टकट तरीका,
मुके पे आप लोग कर लेंगे, आप लोग तेज है कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चर्चा करें हम लोग, करें क्या? चलो, डोमिनेंट रेंज हो गया। सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस देखिए, तो सम इम्पोर्टेंट जो रिलेशंस हैं उसमें है कि y इज इक्वल टू साइन वर्स x, तो x इज इक्वल टू साइन y। इसको कैसे करते हैं देखा जाए, आप लोग जानते होंगे ये सब। हाँ वो बताए हैं अभी, तो उस वाले फॉर्म से इसे मान चलिए लिखा है साइन इनवर्स वन बाई टू, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू, इसको मान लो वाई, ठीक है, तो साइन पहुंच जाएगा उसके पास, तो वन बाई टू इज इक्वल टू साइन वाई। और साइन में किस एंगल के लिए ये होता है, तो साइन वाई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। ये पता है ना, ये वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं? चलिए ठीक, ये वाला वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में रहना चाहिए निकालने कैसे निकालना। उसके बाद है साइन इनवर्स, देखो पांचवा नंबर देखो, तो नहीं पांचवा नहीं देखिए, तीसरे से देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब रेंज हो माइनस वन से वन के बीच में। उसी तरह साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो एक्स, यानी दोनों बात सेम ही है, माइनस वन से वन हो या पाई बाई माइनस पाई बाई टू से हो, उनके बीच में। तीसरा है साइन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स नंबर साइन, तो अगर कहीं पे भी आपको फंक्शन में जो एंगल है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिख जाए तो तुरंत आप उसको कॉस एक्स इनवर्स एक्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, एंगल बात किए ना, थोड़ा सा एंगल की बात कर लेते हैं, हटा दो इसको, एंगल वाला नहीं है, अरे हैगा क्यों नहीं होगा एंगल वाला, दिखा दिया हुआ एंगल सफर सफर, 2.2 नहीं, इसी की बात कर रहा है, इसी में एंगल वाला जैसे वैल्यू पता करने के लिए। चलिए तो अभी मान लो कि जैसे जैसे तीन तीन खंडन बनाए थे ना हम लोग, वैसे इसको भी तीन तीन बनाएंगे, साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये था। और उसी तरह इधर क्या था, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये सीन है। अच्छा इसके ऊपर था पहले कि साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ हम लोग को, इधर नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करो, साइन इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पे करो, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, साइन इनवर्स माइनस एक्स और यहाँ पे करो टैन इनवर्स माइनस एक्स। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स करेंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, गौर करना। तो ये तीनों जैसे अगर आ गए माइनस माइनस के साथ, एकदम बेधड़क आप लोग कॉसेक और टैन के संग माइनस लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और यहाँ पे माइनस टैन इनवर्स एक्स, लेकिन उन लोगों के संग नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो अगर यहाँ पे इस कंडीशन में अगर माइनस है, ठीक है, ये कंडीशन में अगर माइनस दे दिया है, गौर करना बात को, और आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज आता है पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, लेकिन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, तो जब हम पाई में से घटाते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कहाँ चली जाती है, पॉजिटिव। कैसे कैसे, चलिए यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ से गुजरते हुए आते हैं ना, तो यहाँ मिलता है 2π और यहाँ मिलता है हमसे पाई और ये होता है पाई बाई टू और ये होता है 3π बाई टू। पहले फर्स्ट
सेकेंड थर्ड और फोर्थ। और तरीका होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, यानी कि ऑल पॉजिटिव साइन कॉसेक, उसके बाद टेन कॉट, और उसके बाद आपका कॉस और सेक, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव की चर्चा कर रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव ही है, ठीक है। अभी जब यहाँ पे बोलता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मतलब कि आप कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मतलब क्या है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स पीछे जा रहा है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस का मतलब कि पीछे जा रहा है, और यहाँ पे ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, समझ आया, ठीक है। और कुछ, और मान चलो कि वैसा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सीन ना हो, तो आप यहाँ पे 2 पाई माइनस भी कर सकते हो, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि 2 पाई करो तुरंत कहाँ जाएगा। देख एक और सीन हो सकता है कि अगर 3 पाई बाय 2 में क्या कर दो आप, प्लस कर दो, तो वो बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाए, ठीक है, क्योंकि जही ऐसा करेंगे तो ही साइन का कॉस, कॉस का टेन, टेन का चेंजिंग होने लगता है, पता है ना, कन्वर्जन हो जाता है। केवल दो जगह होता है, पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 पे साइन कॉस, कॉस टेन, अरे नहीं कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, और सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, ये होता है, ठीक है। तो ये आपस में आपके कंटिन्यूअसली कन्वर्जेंस हो जाते हैं, समझ आया। तो बोलो अभी कोई यहाँ पे डाउट है तो, अरे बच्चा तू बोल ना, इसे ऐसे बोल आफ्टर, मतलब कि हाँ आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अरे हमको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कपलिंग इफेक्ट लगाएंगे। सही है ना, ऑल सेक साइन और कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, नहीं आराम से, आराम से, ठीक है। हाँ साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक क्या रहेंगे इसमें, और इसमें टेन कॉट, और इसमें सॉरी कॉस और सेक, हाँ कहीं जाना नहीं है हम लोग को, आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी हैव टू नो गो एवरीबॉडी वेयर वेयर वी वांट, यस सर, थैंक यू सर, आई डोंट नो। चलिए तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि साइन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स है कि नहीं, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है कि नहीं, है ना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फीडिंग की, यहाँ पे देखा, किसी को कोई तकलीफ है तो बता दो, ठीक है। जानते हो ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं कि क्या करना है, कि कॉस इनवर्स वन बाई एक्स हो जाता है, तो क्योंकि आप लोगों ने दिमाग में तो था नहीं कि कॉस इनवर्स वन बाई एक्स हो तो क्या होता है। हाँ तो ये चीजें अगर याद रहोगे तभी तो पॉसिबल है, ऐसे कैसे कर लोगे ये बताओ। तो देखो कॉस का सेक बन रहा है, तो एक चीज गौर करो ना, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा का केस है, स्कूल में साइन है, तो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। तो अगर साइन इनवर्स वन बाई एक्स होता है तो क्या बनेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, समझे बात को। यहीं से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आप समझ जाओगे यहीं पे है, कहीं और नहीं भिड़ाना है। उसी तरह टेन का क्या करोगे, कॉट, और कॉस का क्या करोगे, समझ गए, इंटेलिजेंट हो। चलिए उसके बाद कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, मतलब कि 12वां 13वां नंबर देखिए, हाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं दिख रहा है क्या, रोमन नंबर लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये वही फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, सेम वाला है, ठीक है। उसके बाद है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, बिल्कुल सेम ट्रिग्नोमेट्री से उठा के चेप दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला जानते हो कुछ अलग तरीके का है, अलग तरीका मतलब सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री से ही उठाया है। ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले आपको तैयार है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तैयार, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री तैयार ही है, तभी तो तैयार हुआ है वो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपने बचपन में पढ़ा था टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू टेन ए, नहीं यही था ना, हाँ टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये किया था ना, यही सेम फॉर्मूला इनवर्स में जाता है, ठीक है। क्या बनता है, ये बनता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर हो जाता है आपका टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वही कह रहे ना कि ट्रिग्नोमेट्री याद है तो इनवर्स वाला कोई आपको हिला नहीं सकता, और मल्टीवर्स वाला भी कोई नहीं ला सकता। इनवर्स के बाद आता है मल्टीवर्स, ये आपके एमसीयू वाले क्लासेस में आते हैं, ठीक है। उसके क्लासेस आपको एमएससी में मिलेंगे, एमसीयू आपकी है ना सर, नहीं कहां से पता है आपको, ये सर फिल्म की बात कर रहे हैं। चलिए वही हो ही रहा है, ओके। तो ये जो टेबल है ना, सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस के, वो सारे रिलेशंस हम लोगों ने कवर कर दिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। डोमेन रेंज वाला भी पार्ट हो गया, ठीक है, दोनों तो सेम ही है, 19 नहीं सेम नहीं है, क्योंकि एक में 10 का प्रयोग किया है 10 में, और दूसरे के 10 का प्रयोग किया है साइन में और कॉस में, यूज कर सकते हैं दोनों, एकदम कर सकते हैं आप क्वेश्चन के हिसाब से, अब ये चेंज, हाँ। आगे देखा जाए, देखिए आगे जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी ना, उसका डोमेन रेंज दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे साइड में आर 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 दिया है, साइड में माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, और फिर उसके बाद आर 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 से करके आप देख लो। वैसे भी आप लोग को इस समय में नहीं देखना है, आर 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 नहीं देखना है, ठीक है। तो अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बोलिए ग्राफ में कोई समस्या बताइए, क्या क्या समस्या हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेनली है ये कौन सा ग्राफ, साइन ग्राफ, ये साइन ग्राफ है, तो इनवर्स का साइन ग्राफ कहाँ बनेगा, ठीक है, और कुछ नहीं जानना है। और उसी तरह कॉस का, तो कॉस का ग्राफ कहाँ से बनता है, एस से, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, नीचे जाएगा, अरे नीचे ऊपर सभी ग्राफ में कोई दिक्कत है तो बताओ, बिल्कुल नहीं ना। उसके बाद आता है टैन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। टैन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, तो टैन ऐसे होगा, ऐसे कर दो, मिटा होने दिख नहीं रहा, शॉक लाइए सर, ऐसे बन रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे, हाँ ऐसे करके, हाँ हाँ ये लंबा, अच्छा ये रूट की तरह बन रहा है, हाँ वो ट्रांसमिशन रूट कर रही है, नहीं समझ रहा है वो इससे समझ नहीं है, ठीक है ना, यस सर यस सर, ऐसे तो हाँ वो रूट की तरह ग्राफ है, ठीक है। ये है आपका टेनिस ग्राफ, टेन इनवर्स ऐसे ग्राफ, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचा है, कॉट का वाई की पर वाई से जाएगा, कॉट कॉट की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो काम है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें लास्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड प्रिंसिपल वैल्यू। आप देखिए इसके अंदर वैल्यू कहाँ कहाँ, उसमें जब x की वैल्यू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू जीरो हो जाए,
ठीक है, तो उस समय साइन वर्स एक्स कॉस टैन कॉट से कॉसेक का जो आपके सामने दिया हुआ है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये इसके इसके बीच में लाई करेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, पढ़ो थोड़ा सा। तो इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू दैट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, दोनों बातों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, कुछ डिसिमिलरिटी तो नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोग कर रहे हैं वही करें। यहाँ पे इस वाले जो चैप्टर में देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इस पे हमने देख रखे हैं, ठीक नहीं रहा क्या है ये सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन रेंज प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंगल फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे कैसे थीटा का चेंजिंग होगा देखिए एंगल फॉर्म और थीटा चेंजिंग कैसे होगा, उसके बाद सम इलस्ट्रेशन में देखो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगी, कैसे सॉल्व करना ये गौर करो। देखो इस तरीके से भी आपको सॉल्व करना सीखना, जिसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज है ना किताब में, लीनियर इनइक्वालिटी शायद 11th में, 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज है ना, हाँ लीनियर इनइक्वालिटीज अच्छा चैप्टर है, देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं उसमें से, एकदम तगड़े वाले जेई नीट जेई मेंस में तो खाली उसी क्वेश्चन में होते हैं। नहीं अच्छा होता है, कम से कम दो तीन तो आते ही है लीनियर इनइक्वालिटी से। लीनियर इनइक्वालिटी कई जगह है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में घुसा हुआ है, फंक्शंस में भी घुसे हुए है, तो कई जगह है। देखो इनवर्स में घुस गया, यस सर निकाल देंगे उसको। चलिए ठीक है, अब देखो ना सेकंड को देखो इलस्ट्रेशन देखो, उसमें आपको निकालने दिखाया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू 5π/6, और अभी कॉस इनवर्स माइनस में अगर हो तो हम क्या करते हैं पाई माइनस करते हैं, करते हैं ना पाई माइनस, सही फॉर्मूला नोट करवाया हम लोगों ने, देखो फॉर्मूले में पाई माइनस यहाँ पे का छो को नोट किए थे, नहीं नोट किया क्या, पाई माइनस इसमें से करता है ना, एक क्या यहाँ पे देखो तीन नंबर कॉस इनवर्स माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखो ये वाला ये भी है, हाँ देखो 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 तीन नंबर देख, नहीं सॉल्व नहीं है, सम इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, सम इलस्ट्रेशन तीन नंबर देखिए, तीन नंबर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कुछ इस तरीके का अगर आ गया रूट थ्री माइनस 1/2 √2 इसकी वैल्यू पाई बाई 12 के बराबर है, कैसे है उसको देखने के लिए हम पेज पलटेंगे, ठीक है हाँ, तो पेज पलट दो देखो क्या कैसे इसको ब्रेक किया गया है, मैं सामने नहीं ना देखो कैसे देखोगे, तो लीजिए अपना तो एक सेकेंड यहाँ पे है हमारे पास, नया नया है सब, एक एक्सचेंज कर लीजिए सर देखो वहां पे साइन वर्स रूट 3/2 है इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2, तो देखो रूट 3/2 को हम साइन पाई बाई 3 ले सकते हैं, 1/√2 को कॉस पाई बाई 4 ले सकते हैं, माइनस 1/2 को माइनस कॉस पाई बाई 3 ले सकते हैं, और 1/√2 को साइन पाई बाई 4 ले सकते हैं, और यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन ए माइनस साइन बी, तो देखो यहाँ पे जब आपने इसको बनाना है तो साइन वर्स साइन पाई बाई 12 हो गया, और साइन सिंक कट जाएगा तो पाई बाई 12 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 भी हो सकता है, कहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, साइन किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी कि आप देख सकते हो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 एलसीएम हो जाएगा 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, पाई बाई 12, ठीक है एक नंबर फॉर्मूला याद है, वेरी गुड फॉर्मूला नहीं याद है, वेरी गुड तो वो और वेरी गुड चाहिए, अब हो गया सब खत्म हो गया, ठीक है ये तैयार हो गया है, अभी अगर कोई उसमें कुछ छूटा हुआ थोड़ा देखते तो कुछ छूटा हुआ नहीं है कहीं से भी, सब कंप्लीट हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्री में इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा लोग सिलेबस में आ ही नहीं रहा है, सबसे मेन चीज है, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए सॉल्व करिए फिर पूछिएगा।